नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सम्राट अशोक के कार्यक्रम को लेकर जिस तरीके से जदयू और भाजपा आमने सामने हुई, ये विवाद जल्दी थमेगा नहीं। सीधी बात है, जहां लव कुश समीकरण नीतीश कुमार मानते हैं कि उनके पास है और इसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा को एक बड़ी जिम्मेवारी भी दी गई है, वहीं भाजपा अब अपने हर सहयोगी के छोटे समीकरण को, राजनीतिक समीकरण को, जातीय समीकरण को एक सूत्र में बांधने की तैयारी में लगी हुई है। भाजपा जानती है कि इन छोटे दलों का जो छोटा समीकरण है वो हिंदू डिवाइड में ही क्रिएट किया जाएगा। कहीं ना कहीं हिंदू पोलराइजेशन करके हर राज्य में भाजपा जीत रही है और उसे लग रहा है कि इसी समीकरण पर वो बिहार में भी सरकार बना लेगी। बिहार में आपने देखा कैसे रामनवमी पर इस बार जो जुलूस निकला वो पहले से कहीं ज़्यादा भव्य था और इसमें इस बार राम का नाम लेकर भाजपा के लोगों ने खास तौर पर अवेयरनेस क्रिएट करने का काम किया, जिससे हिंदू वोटरों में धार्मिक भावनाएं बढ़े और वो भाजपा की तरफ बढ़ें। आपको पता होगा, इससे पहले नीतीश कुमार ने ओबीसी और अन्य जातियों के लिए जातिगत जनगणना के लिए नरेंद्र मोदी से आग्रह भी किया था। इसको लेकर विपक्ष का भी एक जत्था उनके साथ खड़ा था, लेकिन इस पूरे मामले पर नीतीश कुमार ने अब चुप्पी साध ली है। सीधी बात है, भाजपा जिस तरीके से प्रचंडता के साथ उत्तर प्रदेश में वापस आई और उसने बिहार में अपने ही सहयोगी वीआईपी के साथ जिस तरीके से बर्ताव किया, मुकेश सहनी के साथ जिस तरीके से उनके विधायकों को तोड़ा, उनकी पार्टी पर कहीं ना कहीं ऐसा हमला किया जिसकी वजह से कई नेता बड़े उस पार्टी को छोड़कर भाग रहे हैं, वही बोचहा की सीट पर मुकेश सहनी सीधे तौर पर संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, इन सभी कारणों की वजह से एनडीए आज भाजपा डोमिनेट कर रही है। लेकिन बिहार में भाजपा के डोमिनेंस को समाप्त करने के लिए जातिगत समीकरण को अपने मजबूत कर रहे हैं नीतीश कुमार, और इसी क्रम में सम्राट अशोक का कार्यक्रम हुआ जिसमें कार्यक्रम के बहाने भाजपा के सामने शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की गई। लेकिन भाजपा ने एक दिन पहले ही सम्राट चौधरी के माध्यम से एक कार्यक्रम कराया सम्राट अशोक का, जिसमें उनसे कहीं ज़्यादा भीड़ जुटाई गई। लेकिन जदयू पीछे हटने वालों में से नहीं है, लेकिन जदयू ने अपने कार्यक्रम के माध्यम से और कुछ किया हो या ना, लेकिन इतना जरूर किया कि भाजपा को एक स्ट्रांग मैसेज जाए कि वो अपने समीकरण को बचा कर रखने वाली है और वो भाजपा के सामने झुकने वाली नहीं है। इसी कड़ी में दो बयान बड़े महत्वपूर्ण आए। एक, ललन सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी पर बने रहेंगे और वो हटने वाले नहीं हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर कहा कि सीएम नीतीश किसी की अनुकंपा से मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। बाद में हमने आपको बताया था कि कैसे भाजपा ने इस पूरे प्रकरण पर रिएक्ट किया। नवल किशोर यादव ने सीधे तौर पर कहा कि अगर हम ये कहते कि अनुकंपा पर हमने बनाया है तब इसका जवाब देते तो अच्छा लगता, जब हमने कुछ कहा ही नहीं, जब हम सीएम की कुर्सी मांग भी नहीं रहे हैं, तो ऐसे चोर के दाढ़ी में तिनका वाला स्थिति क्यों बिहार की राजनीति में क्रिएट हो रहा है? जबरदस्ती का नाखून कटाकर शहीद क्यों हो रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा? और उपेंद्र कुशवाहा पर यह भी आरोप लगाया गया कि आने वाले समय में 2025 के चुनाव तक क्या बिहार में नीतीश कुमार के साथ वो खुद रहेंगे, इसकी गारंटी वो ले सकते हैं? क्योंकि उनका इतिहास नीतीश कुमार का विरोध कर रहा है, हम तो नीतीश कुमार के सहयोगी काफ़ी दिनों से हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को तय करना चाहिए कि कौन उनका अपना करीबी है। लेकिन इन सब चर्चाओं के बीच एक बात आप जान लीजिए, अंदर की खबर ये आई है, आज बिहार के सियासी गलियारों में ज़बरदस्त इस बात की चर्चा है कि भाजपा के रवैये से, भाजपा के जो अग्रेसिव नेचर बिहार की राजनीति में दिखा, उससे जदयू काफ़ी हतोत्साहित हुई है, जिससे जदयू को इस बात का डर लग रहा है कि जिस प्रकार से वीआईपी को समाप्त किया गया, उसी तरह से अगला नंबर इस कड़ी में हो सकता है जदयू का हो। भाजपा के कई अंदरूनी सूत्र के लोग भी ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का अगला नंबर है, कुर्सी छोड़ दे सीएम की। लेकिन इन सब के बीच इस पूरी परिस्थिति को भांपते हुए, अपनी ताकत दिखाते हुए जदयू ने ये शर्त सी रख दी कि बिहार में अगर एनडीए गठबंधन चलना है तो उसके लिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखना पड़ेगा 2025 तक। हालांकि ये जदयू की शर्त है, नीतीश कुमार क्या चाहते हैं, क्या मानते हैं और किन परिस्थितियों में वो बिहार के मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं, ये तो उन्हें तय करना है। फिलहाल नीतीश कुमार के बॉडी लैंग्वेज और उनके द्वारा किए गए इधर रिसेंट के कार्यों को देखते हुए कई बड़े राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब किसी और पद की तैयारी में लग गए हैं। जो भी होगा, बहुत जल्दी सब कुछ स्पष्ट होगा, क्योंकि बिहार की राजनीति में बहुत ज़्यादा दिनों तक खिचड़ी पकाने का रिवाज नहीं है, जल्दी जल्दी चीज़ें होती हैं। और अब कम से कम इतना तो समझ में आ गया है कि नीतीश कुमार की तरफ से, जदयू की तरफ से एक बहुत बड़ी शर्त बिहार में भाजपा और जदयू गठबंधन को बनाए रखने की है, और वो है नीतीश कुमार खुद सीएम बिहार के बने रहें।
अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।